नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं मसाला मुरमुरे। ये इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए ये एक बड़ा सा पाव जितना मुरमुरे लिया है। टेस्ट के लिए ग्राउंडनट, थोड़ा एक डल्ला लहसुन, थोड़ा करी पत्ता, तीखा कितना चाहिए उतना हरी मिर्च, कोकोनट पीसेस थोड़ा ऐसे कर, और ये भी, और थोड़ा हींग। इधर मैंने कढ़ाई रखकर 3 स्पून तेल डाल लिया है। अभी उस तेल में ये लहसुन कूट कर रखी थी ना, एक डल्ला वो डाल लेती हूँ। उसके साथ ही एक ग्राउंडनट भी डाल लेती हूँ। अच्छे से फ्राई करना क्रिस्पी होने तक। अभी देखिए मेरा ग्राउंडनट आधा कुक हो गया। इस टाइम में ये हरी मिर्च कट कर रखी थी ना, और ये कोकोनट पीसेस ऐसे कट कर रखी थी ना। अच्छा, ये तो ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं, मेरे पास एक कोकोनट का, इसलिए मैं भी डाली हूँ। ये डालकर गोल्डन ब्राउन आने तक अच्छे से फ्राई कीजिए। अभी देखिए ये मेरा ये अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इस स्टेज में थोड़ा हींग डालती हूँ इसमें। अभी थोड़ा भुना हुआ चना थोड़ा डाल लेती हूँ, और करी पत्ता। हल्दी का पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च कलर के लिए, थोड़ा नमक, डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। इस स्टेज पे ये मुरमुरे ये डालकर ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये चाय के साथ, कॉफी के साथ, शाम के टाइम में आप कभी भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। आप भी घर पर बनाए, कैसे बना करके मुझे कमेंट पर कहिए। थैंक यू।